नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के, सिंचाई विभाग की सीएम योगी आज समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं पूर्व की समीक्षा बैठक का फीडबैक भी लेंगे सीएम योगी। जल शक्ति मंत्री, सचिव, प्रमुख सचिव शामिल होंगे। वहीं शाम 5:30 बजे लोक भवन में होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले भी बैठक की गई थी, इससे पहले समीक्षा की गई थी, जिसको लेकर सीएम योगी आज इसका फीडबैक भी लेंगे। जल शक्ति मंत्री, सचिव, प्रमुख सचिव इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 5:30 बजे लोक भवन में होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, सिंचाई विभाग को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तकरीबन 5:30 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है, और सिंचाई विभाग की इस बैठक में बाढ़ परियोजनाओं से संबंधित जो सभी तैयारियां क्या है, किस कदर ग्राउंड जीरो पे काम हो रहा है, उन तमाम तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस दरमियान जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव सिंचाई मौजूद रहेंगे। उनके अलावा तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे, शरीक होंगे। दरअसल बाढ़ के पहले ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है, विभाग की तैयारियां किस कदर है, उसको लेकर इस बैठक में ये माना जा रहा है कि तमाम बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं। सबसे पहले इसको समझना होगा कि दरअसल बरसात में उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ की विभीषिका बड़े पैमाने पे आती है, और इस दरमियान जानमाल के अलावा फसलों की भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होती है। और जो अगर हम बात करें तमाम कछार इलाकों की, तो वहां पे कटान की एक बड़ी समस्या है, और हर साल सिंचाई विभाग की जो तैयारियां हैं वो होती तो जरूर है, लेकिन कागजों में होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि इस बार कागजों के अलावा जमीनी स्तर पर, यानी ग्राउंड जीरो पर, वो तमाम परियोजनाएं जो हैं वो लागू की जाए। जमीनी स्तर पर कितनी तैयारी की गई है, इन तमाम चीजों की समीक्षा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5:30 बजे लोकभवन में करेंगे। और इस दरमियान जो जल शक्ति मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो रहेंगे, और कोशिश यही है कि बाढ़ से पहले तमाम जो परियोजनाओं को लेकर जिस तरीके से तैयारियां हैं वो किस कदर की गई हैं, ग्राउंड जीरो पे क्या हकीकत है, इन तमाम जानकारियों से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रूबरू होंगे। बिल्कुल अमितेश, जिस तरीके से देखा जाता था कि सिर्फ कागजों पर ही बातें हुआ करती थी, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही यहाँ पर बयां होता था। अब मुख्यमंत्री योगी इसी को लेकर अलर्ट हो चुके हैं। अब 2.0 में जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही है, सीएम योगी के साथ साथ उनकी पूरी टीम एक्टिव नजर आ रही है। बाढ़ जिस तरीके से आया करती थी, फसलें बर्बाद हो रही थी, और जिस तरीके से जो किसान है वो भी आत्महत्या कर रहे थे सिर्फ बाढ़ की वजह से, क्योंकि फसलें बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि इस बार ऐसी स्थिति फिर से पैदा हो, जिसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इसके अलावा और किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है बैठक में? देखिए, इसको समझना होगा, पिछले अगर हम कई दशकों की बात करें तो बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके जो हैं वो हर साल बर्बाद हो जाया करते हैं। तमाम जो सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो बर्बाद हो जाया करती है, जान माल की भी नुकसान होती है, लेकिन जो अस्थायी जो उसके उपाय हैं वो नहीं किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि गोरखपुर से आते हैं, और मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो सांसद थे तो तमाम क्षेत्रों में जाते रहते थे, और तमाम बाढ़ विभीषिका से वो रूबरू हैं, वो बखूबी जानते हैं। अस्थाई कैसे इस बाढ़ का समाधान हो, हर साल करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे बाढ़ के नाम पे, बचाव के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में अधिकारियों को साफ कर दिया है कि अब खानापूर्ति नहीं होगी, जमीनी स्तर पर काम को करना होगा। मुझे लगता है कि 5:30 बजे जो आज बैठक हो रही है, बाढ़ परियोजनाओं से संबंधित बैठक है। खुद इसमें मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा जल शक्ति मंत्री और विभागीय जो प्रमुख सचिव हैं वो मौजूद रहेंगे। कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से बरसात से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाकों जहां पे बाढ़ अपना कहर बरपाता है
उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे एक बेहतर प्लानिंग के जरिए उस पर को कैसे अमलीजामा पहनाया जाए, ये कोशिश सरकार की है। और मुझे लगता है कि आज इस बैठक में तमाम अहम और बड़े जो फैसले हैं वो हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, आज अहम और बड़े फैसले इस बैठक में किए जा सकते हैं। अमितेश, पहले भी इस मुद्दे को लेकर बैठक हो चुकी है, समीक्षा हो चुकी है और कहा जा रहा है कि सीएम योगी आज इसका फीडबैक लेंगे। देखिए, ये तब और महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है कि आप ये अपने दो दिन पहले जल शक्ति मंत्री को सुना था, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नहर सफाई को लेकर उन्होंने डांट पिलाई थी और ये कहा था कि आप पैसा कमाइए लेकिन इतना मत कमाइए कि खासतौर से जो सरकारी धन है और उसका बेहतर सदुपयोग हो और जो नहरों की सफाई है वो बरसात से पहले हो जानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हालांकि विपक्ष ने इस बयान को, जल शक्ति मंत्री के इस बयान को कहीं ना कहीं इस पर हमला बोलने की कोशिश की योगी सरकार पर, लेकिन उन तमाम ग्राउंड जीरो की तैयारियों को लेकर ये माना जा रहा है कि सिंचाई विभाग के जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। और ये अहम तब और हो जाता है कि जब खुद सिंचाई मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, झांसी दौरे पर गए थे और तमाम उनकी खामियां हैं वो नजर आई थी। तो ऐसे में जब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक ले रहे हैं तो तमाम उन कमियों को, उन खामियों को दूर करके मुख्यमंत्री के सामने तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा जो लापरवाह अधिकारी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जिनकी वजह से विभाग की कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं, और जब ऐसे अधिकारियों पर भी ये माना जा रहा है कि गाज गिर सकती है। फिलहाल आज की सिंचाई विभाग की ये बैठक कई मामलों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाढ़ से पहले तमाम ऐसे फैसले हैं जो आज की इस समीक्षा बैठक में बाढ़ परियोजनाओं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश आपका अधिक जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान के मीडिया प्रभारी फजाहत अली का बड़ा बयान सामने आया है, ईद से पहले आजम की हो सकती है जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, फजाहत अली ने यह बात कही है, मीडिया प्रभारी फजाहत अली खान ने यह उम्मीद जताई है और कहा कि ईद पर आजम खान रामपुर में अदा करेंगे नमाज। आजम खान की केवल एक ही जमानत बाकी रह गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेल में बंद आजम खान को जल्द जमानत मिल सकती है, उन पर 72 मुकदमे में से 71 मुकदमों में जमानत उनको मिल चुकी है, जो कि एक मामला बचा हुआ है उसमें भी सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन अभी डिसीजन आना बाकी है। इसी को लेकर उनके जो मीडिया प्रभारी है फसाहत अली, उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही वापस घर आ सकते हैं, उनकी घर वापसी जल्द ही हो सकती है और ईद से पहले उनकी घर वापसी की उम्मीद यहां पर मीडिया प्रभारी ने जताई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल में बंद रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली ने बड़ा दाव किया है। उन्होंने कह दिया है कि आजम खान को ईद से पहले पूरे मामलों पर जमानत मिल सकती है और क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं। 2020 और 2021 की दोनों ईदें हमने आजम खान साहब के बगैर मनाई हैं, गुजारी हैं और हम सब समाजवादी या आजमवादी गमजदा हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, कैसे कैसे हम लोगों ने जुल्म सहे हैं और सह रहे हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात हमारे लिए यह है कि कायद मोहतरम वाले जनाब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है और हमें अल्लाह पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस बार ईद पर वो हमारे बीच होंगे। इसीलिए मैंने फेसबुक पर कहा है कि ईद पर ईद होगी, तो हमें अपने अल्लाह से पूरा यकीन है कि बहुत जल्द जमानत होगी। आजम खान साहब की एक ही जमानत रह गई है, इंशाल्लाह वो होगी और वो हमारे बीच होंगे। आप सब जानते हैं कि हम कितने गमगीन रहे हैं, कितनी हमने परेशानियाँ उठाई हैं, किस कदर हमने तकलीफें उठाई हैं। मुझ जैसा बदनसीब आदमी जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो और वो अपने वालिद को कंधा तक नहीं दे पाया हो, पैरोल तक नहीं मिली हो, 24 मुकदमे लगाए गए, गुंडा एक्ट लगाया गया और ऐसे ही सारे हमारे साथियों के साथ किया गया, आजम खान साहब के परिवार के साथ क्या हुआ है। वो 2.5 साल से जेल में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं। हमारी अपने अल्लाह से दुआ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ईद हमारे लिए ईद होगी। दिवाली, होली कोई त्यौहार हम नहीं मना पाए हैं, सारे त्यौहार सुना रहे हैं, लेकिन हमें अपने अल्लाह से यकीन है पूरा कि इंशाल्लाह इस बार ईद पर ईद होगी। इस बार आजम खान साथ होंगे? हाँ, इसीलिए आजम खान साहब हमारे साथ होंगे, जब तो ईद पर ईद होगी इंशाल्लाह।
जो है फसाहत अली, उन्होंने कहा कि इस बार हमारी ईद एक साथ होगी, उनके बिना हमने दो से ज्यादा साल व्यतीत करे, लेकिन अब आजम खान जल्द ही वापस आ सकते हैं। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी फहीम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, देखिए, जेल में बंद आजम खान को जल्द रिहाई मिल सकती है। 72 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे, जिसमें से 71 मुकदमों में रिहाई उनको मिल चुकी है, लेकिन अभी एक मामला बचा हुआ है और ये जो फैसला है एक मामले को, इस पर सुनवाई भी हो चुकी है, कब तक डिसीजन आ सकता है, कोई जानकारी? जी बिल्कुल ऋचा सिंह, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर मुकदमे की आजम खान के ऊपर झड़ी लगी हुई थी। ये मुकदमे 100 से कहीं ज्यादा मुकदमे थे, जिनमें ज्यादातर में जमानत हो चुकी है। जमानत की अगर मैं बात करता हूं तो हाई कोर्ट के अंदर एक मामला है जिसमें सुनवाई होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। उसके बाद उस फैसले के खिलाफ भी आजम खान की फैमिली, आजम खान सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने इस मुकदमे के फैसले को रोक रखा है, जिसका फैसला जल्द सुनाया जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आजम खान के समर्थक और उनके मीडिया प्रभारी फसाद अली शानू ने ये बात कह के एक उम्मीद जगाई है कार्यकर्ताओं के दिल में कि आजम खान इस बार ईद पे यहाँ मौजूद होंगे और ईद के दिन हमारी ईद होगी। यानी कि जिस तरह से आजम खान के समर्थक और उनके पार्टी के लोग दो साल से ईद उनके बगैर मनाते रहे हैं, इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की जो ईद होगी वो आजम खान के साथ होगी, ईद की नमाज उनके साथ अदा करेंगे और उनके समर्थक आजम खान के साथ ही सिवैया खाते नजर आएंगे। ये जो उम्मीद जताई है, इसके बाद में अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है और लोगों में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि आजम खान क्या वाकई में जेल से रिहा होकर रामपुर आएंगे, क्योंकि ये उम्मीद समर्थक हमेशा से हर ईद से पहले, हर दिवाली से पहले, हर होली से पहले ये उम्मीद लगाते रहते कि वो आजम खान आएंगे, उनके साथ त्योहार मनाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आजम खान आ पाए हों। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान आएंगे और उनके साथ ईद और त्योहार मनाएंगे। बिल्कुल फहीम, देखिए, दो साल से भी ज्यादा यहाँ पर आजम खान जेल में बंद हैं और उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। 72 मुकदमों में से 71 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें उनकी रिहाई हो चुकी है और एक पर बातचीत भी हो चुकी है, चर्चाएं भी हो चुकी है, लेकिन अभी डिसीजन आना बाकी है। फहीम, जो उनका परिवार है, उनके जो समर्थक है आजम खान, काफी ज्यादा उम्मीद जता रहे कि इस बार ईद दोनों ही साथ मनाएंगे। अब कहा यह भी जा रहा है कि आजम खान इस रिहाई को लेकर, जो एक मुकदमा बचा हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सकती है। जी बिल्कुल ऋचा सिंह, आप सही कह रही हैं। इस मामले को लेके आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी हो गई है और वो गए भी हैं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली है। मैं पीछे बता दूं कि जो जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का मामला था, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आजम खान सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के हक में फैसला देते हुए उस जमीन पे जो कब्जा था सरकार का होने का, उस आदेश को निरस्त कर दिया था, उस पे स्टे कर दिया था। तो लगातार आजम खान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट राहत देता रहा है। इस मामले में भी हाई कोर्ट ने एक जमानत प्रार्थना पत्र पे सुनवाई तो कर ली है, लेकिन उसका जो फैसला है, फैसला सुरक्षित रखा है और वो भी 2 महीने हो गए लगभग उस फैसले को सुरक्षित रखे हुए। तो आजम खान की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि वो जो फैसला सुरक्षित रखा हुआ है उसको कोर्ट सुनाए। हाई कोर्ट उस पे देरी कर रहा है, इसकी देरी की शिकायत कह लीजिए या फिर उस पे अपील कहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर रहे हैं कि इसको सुना जाए और इस पे निस्तारण हो जाए और आजम खान को जमानत दे दी जाए, क्योंकि आजम खान 2 साल से कहीं ज्यादा वक्त से सीतापुर जेल के अंदर बंद है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल में थे और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, जो शहर विधायक थी, वो भी जेल के अंदर रही है। हालांकि दोनों इस वक्त जमानत पे बाहर है, लेकिन आजम खान अभी भी जेल में है और बताया ये जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा कि उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है और उनके स्वास्थ्य की में भी ज्यादा गिरावट है। जी बिल्कुल फहीम, और उनकी रिहाई की खबर को लेकर जो उम्मीद जता रहे हैं उनके समर्थक, काफी खुशी भी देखी जा रही है। फिलहाल कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं समर्थक और उनके परिवार? जी ऋचा, मैं दोबारा सवाल सुनना चाहूंगा। फहीम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फहीम, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही आजम खान की रिहाई हो सकती है, इस पूरे को मामले को लेकर कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं उनके समर्थक? जी बिल्कुल ऋचा सिंह, देखने वाली बात है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और साथ ही पार्टी के कद्दावर नेता हैं।
समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए ये बड़ी ईद से कम नहीं होगा। आजम खान अगर जेल से आते हैं और रामपुर पहुंचते हैं तो ये रामपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादियों के लिए, आजमवादियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। और ईद से भी बड़ी ईद उस दिन होगी जिस दिन आजम खान रामपुर जमानत से रिहा होकर आएंगे। तो खुशियों की अगर मैं बात करूं तो उनके समर्थक एक आस लगाए हुए हैं, केवल आस के दम पे ही कार्यकर्ता इस बात से खुश है कि आजम खान जो कि 2 साल से कहीं ज्यादा वक्त से उनसे दूर हैं, उनके दुख में शामिल नहीं हो सके, उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सके और वो अब उनके बीच होंगे तो उनकी खुशी का तो आलम ही नहीं है। खुशियां इस बात से भी ज्यादा मनाई जा रही हैं कि धीरे धीरे जो उनके ऊपर सरकार का शिकंजा था वो भी कसता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी कम होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह चाहे जो भी हो, चाहे शिवपाल यादव का आजम खान से जेल में मिलना हो या फिर कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया था, उनसे मिलने से इनकार करने का हो, बहरहाल जैसे भी आप माने उसको देखते हुए लोगों का कयास यही है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर सरकार की तरफ से अपनाया गया है जिसकी वजह से आजम खान को राहत मिलने की उम्मीदें जग गई हैं और राहत मिलती भी चली जा रही हैं। जिन मामलों में सरकार बहुत ज्यादा शिकंजा कसे हुए थी उन मामलों को सरकार ने ढीला छोड़ा है जिसकी वजह से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर आएंगे। फहीम, अगर जेल से बाहर आ जाते हैं आजम खान तो कहना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी सौगात कह सकती है या फिर एक बड़ा समर्थन उनको मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बीच खबर गोंडा से है। गोंडा में पुलिस को दबंग खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। गोंडा में मुठभेड़ से बेखौफ पैदा करने के लिए तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि इलाके में सरेआम दबंगों की दबंगी देखने को मिल रही है। दबंगों ने भरे बाजार में एक युवक का सर फोड़कर उसे चोटिल कर दिया। वहीं LBS चौराहे के पास गन पॉइंट का सहारा लेकर लोहे के रॉड और डंडे से युवक की सर पर हमला किया गया जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल युवक को निजी अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के LBS चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार, देखिए जो खौफ की तस्वीरें हैं वो अक्सर यहां देखी जाती है, लेकिन गोंडा में अब पुलिस जो बदमाशों पर इस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर ना कहीं जो जनता के अंदर जो खौफ बना हुआ था बदमाशों के वो अब कितना कम हो चुका है? बिल्कुल ऋचा, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर जो उनके आला अधिकारी कानून व्यवस्था पर जिसकी जिम्मेदारी है उन लोगों के तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर जो मुख्यमंत्री ने 100 दिन का प्रेजेंटेशन दिया है उसमें कानून व्यवस्था भी एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन उसको लेकर आज जिस तरीके से यहाँ पर दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है ऋचा, ये शहर का व्यस्तम इलाका है, LBS चौराहा है जहाँ पर उस एक चाय की दुकान है जहाँ पर सैकड़ों लोग हमेशा उस चाय की दुकान पर रहते हैं और ठीक वहीं से बगल में जो बिल्कुल सटा हुआ चौराहा है उस चौराहे पे करीब दर्जनों ऐसे पुलिसकर्मी वहां पर होते हैं जो तैनात होते हैं। और अहम बात यह है कि आज जो डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का यहां पर दौरा था और ब्रिजेश पाठक को उसी रास्ते से होके यहां से बनकापुर के लिए जाना था, इसलिए बिल्कुल व्यवस्था जो पुलिस की थी चाक चौपन थी दुरुस्त थी। और उसके बीच में जिस तरीके से दबंगों ने कोई यहां पर पुलिस का कोई खौफ नहीं था जिस तरीके से आकर इस घटना को अंजाम दिया गया है ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार करीब 15 दिनों में 4 ऐसे मुठभेड़ जो गोंडा पुलिस के दावे हैं कि जो यहाँ पर मुठभेड़ हुई है उसको लेकर के यहाँ पर तमाम ऐसे जो अपराधी रहे हैं वो भी वहाँ पर कोतवाली पहुंचे हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है कि मुझे गोली मत मारो, मैं हाजिर हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। तो ऐसे में कहीं कहीं जो पुलिस अपना पीठ थपथपा रही थी उसका साफ आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से भरे बाजार में किस तरीके से उस जो यहाँ पर मुठभेड़ के लिए जो स्पेशलिस्ट कहा जा रहा है कि गोंडा पुलिस स्पेशलिस्ट है क्योंकि उसको लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। इस जगह पे वहाँ पर देखिए रीता जो दबंग पहुंचे थे करीब 1 दर्जन लोग वहाँ पर दबंग थे और उन्होंने जो गन पॉइंट लगाया है क्योंकि जो आम लोग वहाँ पर जब उस झगड़े का जब विरोध करने की कोशिश की है
तो उनके लेकिन राजकुमार बड़ी बात एक तरफ तो तस्वीर नजर आती है कि जो बदमाश है वो खुद सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और दूसरी तस्वीर नजर आती है खुद यहाँ पर जो बदमाश बेखौफ बदमाश दिखाई देते हैं वो हमला करते हुए नजर आते हैं। अब पुलिस भी लगातार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने इतना काम कर दिया, हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां हो रही है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल ऋचा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सवाल खड़े होना लाजिम है क्योंकि उसी रास्ते से डिप्टी सीएम को होके जाना था और कुछ ही देर पहले उसी रास्ते पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है दबंगों द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा थी इसमें भी चूक मानी जा सकती है क्योंकि उसी चौराहे से होके जो डिप्टी सीएम का काफिला निकलना था और उससे ठीक पहले वहां पर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो जहां पर वहां बताइए सैकड़ों ऐसे लोग वहां होते हैं कि जो चाय की दुकान है वो गैदरिंग का इलाका है और ऐसी जगह पे जाके गन पॉइंट पर इस तरीके की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं गोंडा पुलिस को चुनौती है। बिल्कुल राजकुमार, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है, क्या गिरफ्तार किए गए हैं बदमाश अभी तक? देखिए ऋचा, अब तक जो मेरी पुलिस से बात हुई है, हालांकि जो गंभीर युवक है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, पुलिस वहां पर गई थी, पूछताछ उसने की है, जांच भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहाना था उसका, क्योंकि जिले में डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम को लेके यहाँ पर जो पीड़ित है उससे भी बात कही गई कि डिप्टी सीएम है और इसके बाद फिर हम यहाँ पर इस मामले को दर्ज करेंगे और जल्द से जल्द जो आरोपी है इसकी गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन अब तक राजकुमार लेट लतीफी क्यों हो रही है, ये जो बदमाश है और भी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा बदमाशों को? बिल्कुल देखिए, इस तरीके से अगर ऐसे बदमाशों पर इस तरीके से दबंगों पर अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो निश्चित तौर पर ये कल फिर ऐसी कोई घटना इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर जो पुलिस है, जो प्रशासन के लोग हैं, इस पर इसे संजीदा होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर इस तरीके की घटना को अंजाम ना दिया जा सके। चलिए राजकुमार सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए R9 न्यूज। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।